स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन लगभग पहुंच रहे हैं 400 मरीज। जहांगीराबाद नगर के आहार बाईपास स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन लगभग पहुंच रहे हैं 400 मरीज। यह जानकारी केंद्र प्रभारी आशीष मुद्गल ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस समय चल रहे डेंगू के बुखार के लिए गाँव में भी हमारी टीम घूम रही है, क्योंकि मरीजों के बारे में मरीजों का पता लगा रही है। पता लगने पर उनका उचित उपचार किया जा रहा है। जहांगीराबाद से भारत 24x7 लाइव के लिए नाजिम बेग की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष मुद्गल जी, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जी। आशीष जी, कितने मरीज आ पा रहे हैं केंद्र पर? प्रतिदिन लगभग 400 के करीब औसत मरीज हमारे पास में आ रहे हैं, जिसमें बुखार के भी मरीज आ रहे हैं। मौसम बदलाव होने की वजह से थोड़ा बुखार के मरीजों में संख्या बढ़ी है। और बुखार के मरीजों की हम जो भी जांच की आवश्यकता है, वो सभी तरीके की जांच हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे मलेरिया की जांच उपलब्ध है, NS1 एंटीजन उपलब्ध है, और कोविड की जांच हम कर ही रहे हैं। जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ रही है जांचों की, वो सब उपलब्ध है। अच्छा, डेंगू के भी कोई मरीज आ रहे हैं? कितने मरीज लगे? डेंगू का NS1 पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनकी डेंगू की पुष्टि के लिए हम मेरठ सैंपल भेजते हैं। हाँ, कुछ डेंगू के मरीज आए हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट में है। हमारे मतलब अब दवाइयां जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में दवाइयां जांच के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। इंजेक्शन वगैरह सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा, बढ़िया मात्रा।